What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty and Bank Nifty analysis from tradingfab.in. आज 22 नवंबर 2019 फ्राइडे है, सुबह के 7:58 हो रहा है। कल हमने देखा निफ्टी में वीकली एक्सपायरी का दिन था, उसके बावजूद निफ्टी में एक साइडवेज पैटर्न पूरे दिन भर बना रहा, तो काफ़ी ऐसे ट्रेडिंग जोन में ट्रेड करना काफ़ी मुश्किल होता है, तो सही सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना काफ़ी ज़रूरी है। तो सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करेंगे, फिर बैंक निफ्टी का चार्ट का एनालिसिस करेंगे और उसके बाद निफ्टी के लिए इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले ये एक पिक्चर है कल का, यानी 21 नवंबर आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ऊपर या आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 12,010 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,979। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये 10 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। शुरू में तो कोई ट्रेड नहीं बना क्योंकि निफ्टी इंडेक्स हमारा जो फर्स्ट टारगेट था एग्जैक्ट उसी के पास 12,024 के पास ओपन हुआ और टुवर्ड साउथ की तरफ मूव करने लगा। तो फर्स्ट टाइम तो इसने यहाँ पर जो हमारा ब्रेकडाउन लेवल था एग्जैक्ट इसका सपोर्ट टेस्ट किया और बाउंस बैक यहाँ से हुआ, और फिर एक बार जब साउथ की तरफ मूव हुआ तो हमारा ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक होने के बाद हमारा फर्स्ट टारगेट 11,964 ये अचीव हुआ और फिर से ऊपर बाउंस बैक इसने दिखाया और ब्रेकआउट लेवल के पास इसने एग्जैक्ट रेजिस्टेंस फेस किया और टुवर्ड साउथ की तरफ ये मूव हुआ। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट काफ़ी एक्यूरेट लेवल साबित हुए, और अगर कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेंड कर ट्रेड करते तो अराउंड 10 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 7,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट्स के हालात देख लेते हैं। US मार्केट्स कल फिर से एक बार लाल निशान में बंद हुए। जो US और चाइना दुनिया की जो दो बड़ी इकोनॉमी है उनमें टैरिफ वॉर चल रहा है, तो उसके मद्देनज़र कोई वहाँ पर जो ट्रेड निगोसिएशन चल रहा है उसके बारे में कोई पॉजिटिव खबरें अभी इस समय आती हुई नहीं दिखाई दे रही है, तो इसका सीधा असर ग्लोबल मार्केट्स में दिखाई दे रहा है। यूरोप भी देखे तो कल पूरे लाल निशान में बंद हुआ, और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो दो दिन के गिरावट के बाद एक रिकवरी देखने को मिल रही है। जापानीज इंडेक्स, चाइना मार्केट और हांगकांग मार्केट तीनों भी इस वक्त हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर की बात करें तो वहां पर भी एक रिकवरी अभी इस समय देखने को मिल रही है, 39 पॉइंट की बढ़त इस समय डाउ फ्यूचर में देखने को मिल रही है। एसजीएक्स निफ्टी हल्की सी कमजोरी के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में थोड़ा प्रेशर दिखाई दे रहा है, हालांकि ये जो बाउंस बैक आया है इसे थोड़ा सा रिकवरी फेज हम कह सकते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। उससे पहले ट्रेडिंग फैब की जो एक ऑफर है उसके बारे में आपको बता दूं। ट्रेडिंग फैब ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि ज़ीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर आप अगर ओपन करते हैं तो हमारे जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको फ्री में मिल सकती है। तो इसके लिए जस्ट आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको फिलअप करना है, मोबाइल नंबर डालना है। तो जैसे ही ऑनलाइन प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो जाएगी एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है। आपको हमें हमारे इस नंबर पर कॉल करके आपका क्लाइंट आईडी जो है वो कंफर्म करना है ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो यह ऑफर है सभी के लिए। अपस्टॉक्स और फाइव पैसा में अकाउंट ओपनिंग एब्सोल्युटली फ्री है, तो ये ऑफर है सबके लिए। चलते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर, बाद में निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलेंगे। ये मंथली चार्ट है बैंक निफ्टी इंडेक्स का। मंथली चार्ट में जो ट्रेंड है वो एक्सट्रीम बुलिश है। 20 EMA का ये सपोर्ट लेके बाउंस बैक दिखा रहा है। ये तीसरी बार है 2017 के बाद ये तीसरी बार है जहाँ पर इसने 20 EMA का सपोर्ट लेके फिर से बाउंस बैक दिखाया है एज पर मंथली चार्ट। लास्ट मंथ हमने देखा इनसाइड बार ट्रेडिंग हुआ था और अभी यहाँ पर हायर आए हायर लो का पैटर्न यहाँ पर क्रिएट हुआ है। हालांकि अभी नवंबर मंथ खत्म नहीं हुआ है, 1 week बाकी है, तो यहाँ पर हायर आए हायर लो का पैटर्न अभी यहाँ पर क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके जस्ट ऊपर जाए तो आप देख सकते हैं पास्ट में 3 months यहाँ पर 31,700 के आसपास ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। 750 मान लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3 month का कैंडल है, ये
मई जून जुलाई, तो यहाँ पर काफी जबरदस्त एक रेजिस्टेंस एक हर्डल के रूप में यहाँ पर काम कर सकते हैं। अगर इसको कंफर्टेबली ब्रेक करता है, इसके ऊपर कोई डिसीजिव मूव आती है, तो बैंक निफ्टी इंडेक्स में हमें और भी नए लेवल अचीव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो एज पर मंथली चार्ट काफी एक्सट्रीम बुलिश स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है। चलते हैं वीकली चार्ट में। यह है वीकली चार्ट, यहाँ पर हमने फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया था। अभी 76.4 के लेवल के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है और अगला टारगेट है 31,726, जहाँ पर ऑल टाइम निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स का ऑल टाइम हाई लेवल है। तो यहाँ पर भी हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन लास्ट, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लास्ट 7 वीक से कंटिन्यू हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन चल रहा है। एक्सट्रीम बुलिश स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है। अगर इस ऑल टाइम हाई लेवल के पास से भी कोई करेक्शन आता है तो वो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है। तो स्ट्रक्चर काफ़ी बुलिश है एज पर वीकली और डेली चार्ट, वीकली और मंथली चार्ट। चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में अगर आप यहाँ पर भी ट्रेंड देखें तो शॉर्ट टर्म मिड टर्म लॉन्ग टर्म के ऊपर निफ्टी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, यानी तीनों भी चार्ट पीरियड में जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो एक्सट्रीम बुलिश का स्ट्रक्चर बना हुआ है। कल हमने देखा इनसाइड बार ट्रेडिंग हुआ था। इनसाइड बार ट्रेडिंग यानी क्या, प्रीवियस डे का ये जो हाई और लो है इसके बीच में ये ट्रेड कर रहा था। तो अभी ये हाई और लो की लेवल काफी क्रूशियल बन जाती है। अगर इसका कोई भी एक ब्रेकआउट हमें मिलता है नीचे की तरफ या इधर ऊपर की तरफ, तो हमें ऊपर में 11,700 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और अगर ये नीचे ये इसको ब्रेक करता है और इसके नीचे कोई डिसीजिव मूव आती है, स्ट्रांग मूव आती है, तो ये प्रॉफिट बुकिंग ये करेक्शन और भी गहरा तो हुआ हमें दिखाई दे सकता है। टूवर्ड्स 20 EMA तक ये आ सकता है। 20 EMA को देखिए आप, इसके ऊपर काफ़ी दिनों से ये ट्रेड कर रहा है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम 20 EMA के पास ये करेक्शन जब आता है तो ये 20 EMA को फर्स्ट एज अ सपोर्ट टेस्ट करता है और फिर बाउंस बैक दिखाता है। तो यहाँ से कोई भी अगर करेक्शन आता है तो फर्स्ट 20 EMA का ये सपोर्ट यहाँ पर होगा। उसके पहले ये 30,745 जहाँ पर इसने दो बार ये आप देख सकते हैं एग्जैक्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया था, ये यहाँ पर और ये, तो ये फर्स्ट सपोर्ट का काम कर सकता है। इसके बाद ये 20 EMA का यहाँ पर सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर ये प्रीवियस डे यानी 31,470 के ऊपर ये चला जाता है तो हमें और भी बैंक निफ्टी में नए लेवल्स अचीव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये है डेली वीकली और मंथली चार्ट का बैंक निफ्टी का एनालिसिस। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। यह है निफ्टी का वीकली चार्ट। वीकली चार्ट यहाँ पर भी एक्सट्रीम बुलिश बना हुआ है निफ्टी इंडेक्स का, लेकिन जो मूवमेंट है वो मार्केट ओपन होने के बाद साइडवेज पैटर्न में चला जाता है, यानी अपवर्ड टू साइडवेज और डाउनवर्ड टू साइडवेज पैटर्न हमें पूरे दिन भर में दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं ये वीकली चार्ट है, जो प्रीवियस लास्ट 2 वीक्स है यहाँ पर भी दोजी जैसा कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ था। और यहाँ पर भी अभी देखें तो बॉडी जो है वो काफ़ी छोटी बनी हुई है। आज भी लास्ट ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का, तो देखना ये होगा क्या ये 12,030 का ये जो लेवल है 12,032, 12,040 जहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, क्या इसको ये ब्रेक कर पाएगा और ऊपर में निफ्टी इंडेक्स में नए लेवल अचीव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो अगर ये लेवल ये ब्रेक होता है तो ही हमें निफ्टी इंडेक्स में नए लेवल अचीव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर नीचे 11,872 के नीचे अगर क्लोज होता है तो हमें 11,723 का एज पर वीकली चार्ट फर्स्ट सपोर्ट होगा और उसके बाद में 20 EMA तक निफ्टी इंडेक्स हमें करेक्शन दिखा सकता है अगर इस लेवल के नीचे ये क्लोज होता है तो। अभी भी वीकली चार्ट में 12,000 के ऊपर हमें कभी भी क्लोज नहीं मिला है। 12,000 के ऊपर अगर क्लोज मिलता है तो चांसेस होंगे कि नेक्स्ट वीक और भी निफ्टी इंडेक्स में तेजी हमें देखने को मिल सकती है। तो यह वीकली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में कल भी एक इनसाइड बार ट्रेडिंग जैसा पैटर्न हमें देखने को मिला, यानी जो ये वेनसडे का ये दोजी कैंडलस्टिक था इसके हाई और लो के बीच में ही ये गए ऑलमोस्ट ट्रेड होते रहा। तो इस यहाँ पर भी सेम बैंक निफ्टी जैसा क्रूशियल सिचुएशन है। अगर ये हाई और लो का ब्रेकआउट में हमें मिलता है तो ये यहाँ से हमें
वन साइड डायरेक्शनल ये मूव दिखा सकता है। तो कल काफ़ी स्ट्रांग बेयरिश कैंडलस्टिक बना हुआ है, वो ऐसा माना जा सकता है कि ये अगर लेवल ब्रेक होता है यानी ये वेनसडे का 11,960 तो निफ्टी और भी यहाँ से टूवर्ड्स 20 EMA तक फिर करेक्शन हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यह डेली चार्ट का सिनेरियो, चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में। आज के लिए इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। लास्ट हाफ एन आवर का ये कैंडल देखें तो इनडिसिजिव पैटर्न है, यहाँ पर ना बुल्स जीत पा रहे ना बेयर्स जीत पा रहे। तो अगर इस कैंडल का लो अगर ब्रेक करता है, इस कैंडल के लो के पास ही पास्ट में इसने ये देखिए दो बार रेजिस्टेंस फेस किया है, तो ये अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो हम निफ्टी में इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये ब्लू लाइन 50 EMA का, जहाँ पर S1 का पिवट पॉइंट का लेवल आ रहा है 11,940, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा 11,917, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। अगर टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ अगर बढ़ता है तो ये जो इनडिसिजिव कैंडल है, बोरिंग कैंडल है, इसका हाई के ऊपर पिवट पॉइंट का लेवल है। तो 11,984 अगर ब्रेक होता है तो ही हम इंट्राडे के लिए बाय पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 12,000, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा 12,025, यह हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो यह है आज के लिए निफ्टी में इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करें, कमेंट करें, आपके दोस्तों के साथ इसी यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर कीजिए। सो हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी वीकेंड।